जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख पा रहे होंगे, यह सारा पार्ट्स मैंने होंडा एक्टिवा 5G का ओपन किया है। तो फ्रेंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे कस्टमर भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे पास होंडा की एक्टिवा स्कूटी है, उसकी फुल सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ ओपन होता है इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊँगा। फ्रेंड एक भाई का कमेंट आया था कि सर मेरे तरफ, मैं जब भी सर्विसिंग कराता हूँ तो मेरे तरफ एयर फिल्टर को क्लीन करके, इंजन ऑयल को चेंज करके, गाड़ी को वॉश करके दे देते हैं और 200 रुपये सर्विस चार्ज ले लेते हैं। तो फ्रेंड मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि ऐसी गलती मत करिए। आप लोग जब भी आप लोग सर्विसिंग करवाइए तो आप लोग 200 बजाय 250-300 रुपये दीजिए, पर गाड़ी की फुल सर्विसिंग कराइए, क्या क्या चीज़ ओपन करवाइए मैं आज आप लोग को बताऊँगा। और गाड़ी हमारी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और माइलेज वगैरह हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे कवर करूंगा। तो फ्रेंड हमारे मैकेनिक भाइयों को तो पता होता है, पर हमारे कस्टमर भाई को नहीं पता होता कि गाड़ी की सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ ओपन होता है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते फटाफट और आप लोग को दिखाते क्या क्या चीज़ ओपन होता है। और इस वीडियो में आज सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ खोलना ज़रूरी होता है और क्या क्या चीज़ खोले ताकि हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी चले। तो फ्रेंड माइलेज वगैरह भी हमारा सही रहे, प्रॉपर रहे। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ खोलता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रही है, सारा पार्ट्स मैंने होंडा एक्टिवा 5G का ओपन किया है और काफ़ी अच्छे से मैंने इसको क्लीन भी कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और अब हम इसको ग्रीसिंग करेंगे। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ ओपन किया हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रही है, हमारा एयर फिल्टर है और ये हमारा एयर फिल्टर है और ये हमारा एयर फिल्टर बॉक्स है। तो फ्रेंड मैंने इसको काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे ये हमारा कार्वेटर है, ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह जमा था तो मैंने इसको भी क्लीन कर लिया, काफ़ी अच्छे से साफ़ करके इसको हमने ये फिट कर लिया है फ्रेंड। और ये हमारा ब्रेक शू है, तो फ्रेंड ब्रेक शू हमारा अभी ठीक था, इसी वजह से मैंने इसको स्क्रैच कर लिया है कुछ यहाँ पे सरेज पेपर की मदद से। तो फ्रेंड दोनों तरफ मैंने कर लिया है, तो हम इसी को इंस्टॉल करेंगे इसमें। और ये हमारा क्लच का आइटम है और ये हमारा क्लच शू है फ्रेंड। तो मैंने इसको भी काफ़ी अच्छे से स्क्रैच कर लिया और यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह इसको करके मैंने इसको फिट कर लिया है। और ये हमारा क्लच का रूटर है फ्रेंड, तो जैसे कि आप देख पा रहे फ्रेंड, तो मैं इसमें हल्का सा ग्रीस का लुब्रिकेट करूँगा यहाँ पर कुछ। और इसमें जो छोटी छोटी गोलियाँ लगती हैं है रोलर कुछ इस टाइप का, इसमें भी हल्का हल्का ग्रीस का मूव करूँगा और ऑयल का और ग्रीस का मूव करके मैं इसको इसी में इंस्टॉल करके अपनी जगह पे फिट कर लूँगा। और ये हमारा फॉर्म फिल्टर है फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं क्या क्या चीज़ कौन कौन सा पार्ट्स मैंने ओपन किया है और मैं इसी तरीके से सर्विसिंग करता हूँ फ्रेंड। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है और इस तरीके से सर्विसिंग करने का रिजल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसी को कवर करना था कि सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ खोलना ज़रूरी होता है, क्या कौन कौन सा पार्ट्स खोलें ऐसा जो हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो फ्रेंड मैंने पीछे का व्हील भी खोला है, अभी मैं इसको फिट कर दूंगा, फिर इसका आगे का व्हील भी खोलूंगा और इसका एस्केलेटर और ब्रेक मीटर उटर का वायर में मैं ग्रीसिंग करूँगा। तो फ्रेंड मैं इसी तरीके से सर्विसिंग करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है और फ्रेंड गाड़ी हमारी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी हो जाती है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि ताकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो फ्रेंड चलिए वीडियो करते हैं एंड।